हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। अभी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं और ये हम दोनों ही बस सोए हैं दबा के। आज बहुत सोए टाइम आप देख सकते हैं, 11:30 हो चुका है। हालांकि हम उठ गए थे बट थोड़ा ऑफिस में काम करने लगे थे। आज हम सोचे कि हम करके चलते हैं नीचे तो अभी हम लोग फ्री हो गए हैं एंड अब वैसे तो हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पर अभी थोड़ा सा मार्च क्लोजिंग चल रही है तो थोड़ा सा है वर्कलोड, तो उसे भी मैनेज करना है और आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियोस भी लेकर आना है, व्लॉग भी टाइम पर देना है, तो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो चलिए फ्री हो गए, चलते हैं नीचे, पानी, चाय, कॉफ़ी, मिल्क पीते हैं, नाश्ता करते हैं। चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। आज तो जयश्री की भी छुट्टी है और गुड मॉर्निंग। ओ माय गॉड, मैं सोची ये भैया को क्या हो गया। कब आई सुबह सुबह सरप्राइज यार, कब से मैं बोल रही थी जयश्री को बुला लो, उसको बुला लो। गाइस मुझे सरप्राइज मिला ये कब आई, 10 बजे ना। मैं सोची हाथ तो पतले पतले कैसे हो गए नीचे आते तक भी, और ये क्या अभी तो ऊपर ही छोड़ के आई, नीचे आके कैसे पीछे से हक करी इसने मुझे। मैंने कहा क्या हो गया, जयश्री की आवाज नहीं आ रही थी सुबह से। ये देखो असली खुदी खुशी तो इधर है। अच्छा करो यार आ गई। सो अभी मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी एंड इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमारा डिनर डिनर लंच जो है वो तैयार हो गया है। आज इन्होंने बनाया वेज पुलाव, साथ में रोटी सब्जी और है नारियल की चटनी, और मैं भी जस्ट काम करके आ रहा हूँ। मेरे बाल पता नहीं कैसे हो गए हैं, अजीब से इतने ज़्यादा स्मूथ और हल्के बाल हैं कि नीचे आते आते तक मैं वो फैल जाते हैं। फ्रेंड की आई है आज तो बिल्कुल बिजी ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज आने वाले हैं विनय भैया, दीदी भैया अभी यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली ये बात केवल मुझे पता है कि भैया आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि विनय भैया यहाँ भोपाल में है। अभी इस बात का उन्हें नहीं पता, तो देखते हैं उनको कैसा लगता है और उन्होंने मना करा हुआ है तो यहाँ पर कॉल भी आ ही गया है। हेलो, हाँ बाहर ही हूँ, अच्छा हाउस नंबर 240 आएंगे ना, सीधे सीधे वहाँ से आइए, गेट के पास से सीधे मैं बाहर आ जाती हूँ। हाँ हाँ, तो वो उधर है हमारे विनय भैया, साथ भाभी भी आई है। वाह, भाभी का तो मेरे लिए भी सरप्राइज ही था। ओ मैं तो बस इस बात का वेट कर रही हूँ कि बस दीदी भैया को पता जब चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है। हेलो भाभी, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। रिएक्शन आइए अंदर, अपनी भाभी से मिल ले। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है, आ जाइए बात। तो चलते हैं हम अंदर और देखते हैं कि मम्मी कोई आया है। कहाँ हैं दोनों लोग? हो रहे क्या
नहीं, मार्केट जाने के लिए पता है रेडी हो रहे थे, इतनी मुश्किल से मैं मना की हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो रूम पे ही जा रहे बस हो गया। नाराज बता देते तो नाना भी पूरे हल्ला कर देते। मार्केट के लिए सब, मैं इतनी मुश्किल से मैं बोली रुको अभी थोड़ी देर से रेडी होना। कैसी हो? अभी कैसा यार, कितना प्यारा सरप्राइज होली बर्थडे गाइस है ना। ठीक हो गया जो कह रहे हो, बहुत अच्छा लगा। अब अगर आप लेट करते तो मैं नहीं रोक पाती। कितना वो चलिए बाइक का वेट करने लगे हम इस चक्कर में। तो बाइक लेके आ रहा था वो भादी का भाई छोटा वाला। इस बार होली हम लोगों के साथ ही होली क्या हो सकता है, कहीं मुझे मॉर्निंग में निकलना ना पड़े। महाराज जी दिल्ली से वापस आ रहे हैं तो वहाँ से कब सुबह चलेंगे या तो रात में चलेंगे। उस टाइम हम आ चुके थे तो मुझे लगा भी, मैंने कहा लगता है ये भोपाल में ही, तो बोले कि नहीं आना नहीं हो पाया। अरे यहाँ क्या कहते हैं, कल रात में जब मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ तो फिर मैंने बड़े वाले साले का साथ सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरे लिए एक उसे मेरे लिए बहुत सुंदर को बुला दिया। वैसे एक चीज मानना पड़ेगा, मेरे अभी नेक्स्ट बर्थडे आते तक आपने मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया जो मैंने मांगा था। आपको पता होगा भाभी, आपको नहीं पता होगा भाभी, मैंने भैया से मांगा था लास्ट बर्थडे में अपने, भाभी आप ले आइए अच्छी सी। और इस साल मेरा बर्थडे आते आते आ गई। और 12 को इसका बर्थडे ही है। तबीयत ठीक है अभी तुम्हारी? हाँ इसी बार। हाँ तबीयत ठीक है, अब ठीक ही हो गई होगी। बस मैं बाय बाय पूछ रही थी कहाँ है पूछ रहे ये लोग, मार्केट निकल जाते। तुमको पता था? मैंने उसको मना किया था ना, मैंने कि बताना जब फोन किया तो इसीलिए तो फोन किया था, वो मैंने झूठ बोला था कि फोन नहीं लग रहा। उस टाइम भी मैंने झूठ बोला था कि नहीं लग रहा फोन, बताओ। मैंने मैसेज किया था कि हाँ। मुझे फील आ रहा है कि तुम हो भोपाल, मानसु ने कहा था। एहसास हो गया कि भोपाल लग रहा है, कि भोपाल में लग रहा है। नहीं यार नहीं आ पाया मैं नहीं, और मेरे को इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी तो बताया था कि मतलब वहाँ प्रयागराज से आना पड़ता है कुछ इमरजेंसी। तो उधर साइड बिना भी ये लोग बात कर रहे हैं एंड इधर दीदी बना रही है, मैं बना रही हूँ भाजी। इन लोग तो कुछ बताया भी नहीं कि आ रहे हैं, और आप सबको पता है होली स्पेशल हमने इस बार कुछ बनाया। पर फिर भी होली स्पेशल बन गई, होली स्पेशल के स्टेज पर होली स्पेशल बन गई है। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे भाजी, प्याज की भाजी बना रही हूँ, टमाटर की चटनी। क्या करूँ यार, बता के नहीं आए। हाँ। मुझे पता था बट मेरे को बताना नहीं था, सरप्राइज सरप्राइज नहीं रह जाता ना यार। ये खुशी खुशी कैसे देखते। वैसे खुश तो होते ही, लेकिन जो सरप्राइज जो बिल्कुल पता नहीं रहता है ना, उसकी बात ही अलग रहती है ना। लेकिन देखो मेरे को ऐसे सरप्राइज मत देना, मेरे को बता दिया करना। तो यहाँ पर बनने लगे हैं गरम गरम भजिए। लड़की एकदम इस पर को बना देगी।
कदम रखते हैं। बिना बुलाए का कुछ लेने देने का नहीं होता, सरप्राइज था वो। सरप्राइज ना, 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 ना। बिल्कुल नहीं, हम ले नहीं सकते हम। बस बुलाना लगा हो गया, दोबारा जब हम आएंगे फिर से स्पेशली तब। ना ना जान से नहीं लगता, हम कुछ नहीं लेंगे। कैसे हम जाने नहीं देंगे? इसका मतलब तुम लोग चाहते नहीं हो कि कल हम आए, ये है समझ। तुम्हारा कंफर्म नहीं थी तो हम लोग तो सोचे थे कि और मजा आती थी। नहीं हम समझ रहे हैं। हाँ कंफर्म कर दीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, किधर हो जाओ। बाल खराब हो गए तो मैंने बैठ जाना, उठा नहीं रहे क्या कहती है दीदी आप? और जब अनुष्का आए बिना बुलाए ये उसको दिया जाए तो हम मानेंगे। शादी की तो उसको भी करेंगे क्या है ना भैया, हम तो नहीं मानेंगे ऐसे। हम लोग गलत नहीं कर सकते अनुष्का के साथ। लीजिए बिना को लगाइए। अनुष्का को कुछ दिया जाए, पहले बुलाया जाए, कल के लिए बुला लो उसको, कुछ खर्च वर्च कर लो। भाभी बहुत टाइम से सोच रही होंगी अनुष्का कौन है भाई, वही बात हो रही है। देखो मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे ना बताना ठीक है? मुझे भी कुछ पता नहीं भाई। कहीं कुछ गलत होगा तो बता दे। मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ मंजान आते हैं, कुछ नहीं पता। ये कह आ रही कि मेहमान बड़ा हो झोली भरो, आगे इतनी जनसंख्या वृद्धि हो। हम मतलब ये समझ रहे हैं कि कल भी रुक चाहते नहीं कि हमारे लौट के, ऐसा नहीं है, ये इसीलिए सारा के। अरे हम समझ गए, हम मतलब वही समझ गए, जबरदस्ती का खेल है। इसको भी लेना पड़ेगा तुम्हें इसे का दादी, वो हल्का सा ऊपर कर दो उसको। हाँ ऐसा थोड़ा सा दे दो। ये खिचड़ी में कहाँ थी? खिचड़ी में कहाँ थी? हम अब शादी हो गई, बात अलग है। बस मैं मान ही सकता बस भाई। नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, मान ही नहीं सकता भाई। हाँ मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस इसको दे दे ना भाई प्लीज यार। कल मतलब चार नहीं, कल आना है, कल जान जा बता कर आना है। आने का मौके नहीं छोड़ा, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। होली की शुरुआत हो गई, आ जाइए कोई सा, आ जाइए दीदी को भी लगाते हैं। होली मन गई हम लोग, हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली मनी नहीं है, होली कल मनेंगे। हाथ में क्यों? हाँ वो
उसके लगा मैं अभी अच्छा। रंगूंगी ना अच्छा। तुम तो भी बेटिया रानी हो। अच्छा अच्छा दो मिनट रुकिए मैं आप लगा लिए हैं नहीं लगाया है ना देखो भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगी मैं तो अच्छे से लगा रही हैप्पी होली कभी कभार मेरे हाथ से छट भी जाती है कटोरी हाँ पूरी पूरी है ना भाई कई बार हमारे ऊपर कटोरी कभी कभार हमारे हाथ से छट भी जाती है हमारे हाथ से छट जाती है कटोरी कटोरी हाथ से छटती है हाँ अगर हो रहो शाम को निकलोगे ना तो दिन में रहोगे तो फिर दिन में फिर साथ में करेंगे आशीर्वाद में पैसे की जरूरत थोड़े ले लो यार ले लो ले लो ले लो अरे ले लो ले बस हो गया चिट्टा हो गया अरे आशीर्वाद बच्चों को कोई आशीर्वाद नहीं ये है नहीं सब ये इसको दिया मैंने उसके काम में आएगा अनुष्का के काम है ये देख लो अनुष्का को पार्टी देने के लिए अच्छा अभी सबका घर आना मम्मी कह रही थी कि कोई घर नहीं आए हैं अभी तो सबको अभी जब रीवा आना इस बार तो घर का बनाना दोनों बोमे रहेंगी क्योंकि वो उससे भी नहीं मिले ना वाले से हाँ तो अभी घर का मतलब मम्मी कह रही थी कि कुछ कर नहीं पाए आई नहीं मिल नहीं पाए मम्मी बेचारी इतनी व्यस्त थी तो व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा अरे नहीं तो अभी था तो अपने दूसरे ही घर है वहाँ पर अलग कुछ लगता ही नहीं तो मम्मी ने कहा है कि जब आए रीवा तो घर आना ही आना सब लोग आप ठीक हो जाइए सारे लोग अंकल नहीं ठीक हो जाएंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल भी नहीं गए अंकल को भी आप दी सब लोग चले फिर हाँ मैं देखता हूँ अरे नहीं मैं बताता हूँ हाँ उनके साथ में करेंगे साथ में करेंगे बस इनके भाई साहब लोगों को वो आज दिन भर गायब थे जीजा जी सब सब लोग हैं तो फिर देखते हैं जैसा बनता है ठीक है आप क्या लेके आते हैं होली खेल में बैठे बैठे लेकिन हम बिना मन के ले जाओ मन से ले जाओ मन से लेके जाओ सही है अभी तो कुछ नहीं है अब कोई नहीं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी जैसे जैसे मम्मी थोड़ा मम्मी सुन लो वो कह दे दो मम्मी को बहुत सुन लो मम्मी अच्छे से जाना गीला है हल्का सा यही था जब देखा सुबह महाराज जी का पिछले छाया सुन लेता हूँ गोपाल के लिए बाय अभी चले तो कैसा लगा सरप्राइज बहुत मस्त बहुत मस्त यार ऐसे फ्रेंड किस्मत वालों को मिलते हैं सही बात है ना ये बात तो सही है
वैसे मैं आपके फ्रेंड्स में बोलती नहीं, लेकिन सही बात है। फ्रेंड आज के जमाने में बिना जैसा दोस्त शायद ही किसी को मिला होगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे भी ना भी बहुत अच्छे हैं। कहा क्या बोल रहे हैं? क्या ये बदला ले रही है मुझसे? क्या ऐसा पास कैमरा? अच्छा, मैं ये रख के आ रही हूँ।